अभी हम मौजूद है मैरवा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में, और वहाँ का जो रोड और नाला का स्थिति है उसको हम दिखा रहे हैं। देखिए रोड के बीचों बीच में यहाँ पे बिजली का एक पोल है, और जिस तरह से इसको बनवाया गया है, जिस इंजीनियर के माध्यम से या जिस ठेकेदार के माध्यम से या जिस जनप्रतिनिधि के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं शर्मसार कर रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पे रोड के बीचों बीच में पोलो है, और यहाँ पे नाला का भी यहाँ पे व्यवस्था किया गया, लेकिन नाले में देखिए कितना यहाँ पे कचरा लगा हुआ है। और समझिए अगर यहाँ से कोई गाड़ी निकलती है, जो चार पहिया अगर कोई गाड़ी है, तो किस तरह से इसको पार करेगी, ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा। ये विधायक जी का जो यहाँ के विधायक रहे हैं उन्हीं का ये कारनामा है, और विधायक जी का फंड है ये बड़हरिया विधायक का, और उन्हीं के माध्यम से ये नाला और रोड बनवाया गया, और बीच में पोलो है। अगर कोई चार पहिया वाहन यहाँ से गुजरती है तो कैसे इसको पार करेगी, ये समझने वाली बात है। तो धन्य है विधायक जी, और धन्य है वो इंजीनियर या ठेकेदार जो इस तरह के रोड का निर्माण किए, नाला का निर्माण किए हैं, कि यहाँ की जनता इसको झेल रही है काफी लंबे समय से, और यहाँ के जो लोग हैं आने जाने वाले उन वहाँ पे भी। चलिए तो देखिए यहाँ पे एक पोलो वहाँ था, दूसरा पोलो यहाँ पे भी है। देखिए ये भी रोड के बीचों बीच है, अगर कोई गाड़ी यहाँ पे जाती है, जो चार पहिया गाड़ी है, चार पहिया, उसको कैसे यहाँ से गुजरना पड़ेगा, ये सोचने पर मजबूर है। और यहाँ पे ठेकेदार को भी मतलब बधाई देने लायक बात है, और इंजीनियर को भी, जो इस तरह के रोड का निर्माण किए हैं नाला का। और देखिए तीसरा पोलो ये है, ये तीनों पोलो लाइन से देखिए यहाँ पे रोड के बीचों बीच में है। यहाँ के लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, अभी तक तो कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि सवाल को नहीं उठाया, लेकिन कृष्ण कुशवाहा जो चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के जो कार्य हुए हैं यहाँ के जनता के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और ये चौथा पोलो है देखिए यहाँ पे, ये भी रोड के बीच में ही पोलो को रखा गया है, यानी देखिए जिस तरह से चार पोलो यहाँ पे रोड के बीच में है, यानी यहाँ से आप फोर व्हीलर गाड़ी लेके यहाँ से आप नहीं निकल सकते, इस रूट से आप नहीं जा सकते हैं गांव के अंदर। ताकि हम जानते हैं इनसे कि अगर ये चुनाव जीते हैं, अगर यहाँ की जनता इनको चुनाव जिताती है, तो इसका निदान क्या करेंगे और कैसे इस समस्या को दूर करेंगे यहाँ के लोगों का। तो नेताजी जिस तरह से यहाँ पे रोड का निर्माण हुआ है, नाला का निर्माण हुआ है, और चार चार पोलो रोड के बीच में है, तो कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को, इसको कैसे दूर कीजिएगा आप? देखिए दूर क्या करना है, जो बनवाया उसको तो आँख से दिखाई दे रहा था ना, बहुत हल्का काम है। इस पर कवर्ड वाला तार है, खाली इस पोल को साइड करके ये बन गया होता, और इतने शक्तिशाली आदमी का ये ठीका था, और तब भी ये साइड में नहीं हो सका। इस रोड से मोटरसाइकिल और साइकिल छोड़ के दूसरा कोई वाहन नहीं जाएगा। इस रोड को बनने से क्या फायदा है, ये नगर पंचायत के पैसे का लूट है। यानी ये रोड भी चौड़ा है, यहाँ से आराम से चार पहिया वाहन भी निकल सकता है, आराम से चार पहिया वाहन जाएगा, लेकिन जिस लोगों को दिखाई नहीं देता है। और मेन चीज है कि यहाँ का जो इंजीनियर है, नगर विभाग नगर पंचायत का जो इंजीनियर साहब है, उनको दिखाई देना चाहिए ना कि कैसे बन रहा है। इस काम को रोक दिया गया होता, 10 दिन के बाद काम होता, लेकिन इसको सामने करके, इसको साइड करके तब ना इसको बनवाना चाहिए था। इसको बनाने से क्या फायदा हुआ, पब्लिक का पैसा तो लूटा गया। सही बात है नेताजी, लेकिन यहाँ के लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा डेली आने जाने में। खूब दिक्कत है, किसी के घर में कोई मरीज है तो उसको लाद के खटिया पर लाद के लाना पड़ेगा, तब लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, ये स्थिति है यहाँ का। ये तो लंबे समय के लिए समस्या है, इसका निदान कैसे किया जा सकता है? इसका निदान होगा, निदान होगा फिर इसको साइड करवाया जाएगा। इसको हटाने में कोई बहुत ज्यादा झमेला नहीं है, ये तो आराम से हट जाएगा। पूरा कवर तार है इसमें, देखिए दिखाइए इसको, कवर तार है इसमें, दिखा दीजिए कैमरा से, बोले दिखाइए, तार नहीं है, कवर तार है साइड में, इसको निकाल के साइड में कर दिया जाएगा, तब उस पर फिर तार लगा दिया जाएगा। तो जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं या चेयरमैन हो या वार्ड पार्षद हो, क्या वो लोग इस चीज को नहीं उठाए, विधायक जी के सामने इस बात को नहीं रखे वो लोग? देखिए रखने से कुछ होने वाला है, डर के मारे कौन बोलेगा, इंजीनियर साहब नहीं बोल सकते हैं डर के मारे, क्या कहिएगा इस सबका। इसी तरह पूरे नगर पंचायत का यही हाल है, कहीं कहीं इसी तरह का सेम बीचे में चापाकल है, चापाकल भी है, जैसे वार्ड नंबर जो मोती छापर गांव है, मोती छापर गांव के बीच नाले के रोड में चापाकल है, सबको दिखाई दे रहा था, इंजीनियर को दिखाई दे रहा था, नगर पंचायत के जो वहाँ का वार्ड मेंबर था उसको दिखाई दे रहा था। नेताजी ये चुनाव में चेयरमैन साहब को देखना चाहिए ना क्या हो रहा है, चेयरमैन साहब के पास टाइम ही नहीं है ना देखने के लिए, चुनाव को तो खाली लूट खसोट से मतलब है, माल कहाँ से आएगा बस। चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है इस वार्ड के लिए, इस वार्ड की जनता जो इसको हटाएगा उसको वोट करेगी। मुद्दा तो है, तो इलेक्शन के पहले थोड़ी हट जाएगा, अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है,
इसके बाद ये सारा काम सारा हम लोग आएंगे, सारा बीमारी दूर होगा। यानी अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं तो इस वार्ड की जो समस्या वो दूर हो जाएगी, एकदम दूर होगा। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, एकदम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, दूर होगा घोटाला बाज, लोग भगेगा भी, है ना। देखिए इस वार्ड के जनता के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ के लोगों को काफी डेली इस परेशानियों का झेलना पड़ता है। जिस तरह से चार चार पोलो रोड के बीच में है, कोई भी फोर व्हीलर गाड़ी यहाँ से नहीं निकल सकती है। उस समस्या को कृष्ण कुशवाहा जी ने उठाया है और कहा है अगर जनता हमको चेयरमैन के गद्दी पर बैठा देती है तो इस समस्या को हम हमेशा के लिए दूर करेंगे। और यह छोटा सा काम है, अगर करने वाले का इरादा मजबूत हो जिस काम को कर सकता है, या जिस समय ये बन रहा था उस समय कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाया होता तो यहाँ के लोगों को ये परेशानियों का झेलना नहीं पड़ता। यानी शायद जो भी लोग हैं वो चुप थे उस दिन, और यही कहा ना कहा यहाँ की जनता पर डे से परेशानियों के लिए, यानी जिस वार्ड को जनता यहाँ से वोट देके वार्ड पार्षद में भेजने का काम की थी उनका ये फर्ज बन रहा था कि जब इस रोड का निर्माण हो रहा था और पोलो बीच में आ रहा था तो उस समय वो आवाज उठाते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और यही कारण है कि इस रोड में चार चार पोलो आ गया बीच में और यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भैया आपका घर है ये, और यहाँ तक आने के लिए जो रोड है, रोड की चौड़ाई भी अच्छी खासी है, फोर व्हीलर गाड़ी भी आ सकती है, लेकिन पोलो चार चार बीच में पड़ा हुआ, क्या उससे कोई आप लोगों को दिक्कत होता है? बहुत परेशानी, बहुत परेशानी। हाँ, ये रोड का सड़क निर्माण का कार्य भी बढ़िया से नहीं हुआ, सब बालू इसमें छोड़ रहा है, इसका साल भर नहीं है। इसका कंप्लेन आप लोग किए थे? अरे तो हम लोग नगर पंचायत में करेंगे। जब रोड बन रहा था उस समय आप लोग उस समय भी आवाज उठाए तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई। आपका वार्ड पार्षद कहाँ थे उस समय? वार्ड पार्षद मदन बैठक, इससे क्या मतलब है? वोट तो आप लोग देके ना वार्ड बनाए हैं। नहीं अच्छा, बना देने के बाद आप क्या कीजिएगा? बना देने के बाद आप आज मुँह आपका इधर है, कल आप इधर घूम जाइएगा, तो हम लिख करके स्टाम्प पर नहीं देंगे, केस करने जाएंगे, आपसे मारपीट करने जाएंगे। अभी आए हैं चुनाव, शिक्षित आदमी है, हम लोग आपसे आग्रह ही ना कर सकते हैं? यहाँ 3-4 साल पहले ये जो सोलिंग उखड़वा करके बच्चा पांडे, इसको हम लोग 3-4 फीट पानी में 3 साल तक घूमे हैं। तो अभी मदन बैठा आए थे ना, समझे इतना दुर्दशा तो किसी जगह का नहीं है। अब गनीमत यही चीज रहा कि हम लोग शिक्षित आदमी है, और शिक्षित रहते तो 2-4 लाठी डंडा चलता तो उनका दिमाग ठीक हो जाता, लेकिन हम लोग कर क्या देखिए। यहाँ की जनता काफी आक्रोशित है, और ये लोग साफ कर रहे हैं कि यहाँ के जो उस समय बच्चा पांडे थे वो अपने हाथों से रोड का निर्माण करा रहे थे, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे मदन बैठा, जो वार्ड नंबर 10 के वार्ड पार्षद थे, वो भी कुछ नहीं बोले, और अभी तक चुनाव में दिखाई भी नहीं दिए। नहीं, कभी नहीं दिखाई दिए। उस समय उपाध्यक्ष भी थे, उस समय नगर पंचायत, नगर पंचायत। तो चुनाव में आएंगे तो हिसाब लिया जाएगा ना उनसे? कहाँ आ रहे हैं, वो तो आएंगे ही नहीं, लाज के मारे मुहे नहीं दिखा रहे हैं। इधर इस समस्या का निदान कराना है तो क्या करना पड़ेगा आप लोग? अभी इसको कंप्लेन किए हैं आज तक? कंप्लेन तो कई बार हुआ, लेकिन अब हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि उसके पीछे आदमी पड़े रहे। तो देखिए यहाँ पे आए हैं कृष्ण कुशवाहा, जिनको जनता काफी आशा भरी निगाहों से देख रही है चुनावी मैदान में, क्योंकि जीत का प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा है, और जो भी घोटाले हुए हैं मरुआ में जिस तरह उजागर किए हैं वो काफी चर्चाओं में बना हुआ है, और यही कारण है कि मरुआ नगर पंचायत की जनता कृष्ण कुशवाहा को आशा भरी निगाहों से देख रही है। अगर ये नगर पंचायत में आते हैं तो जो भी भ्रष्टाचार यहाँ फैला है उससे मुक्ति मिलेगा मरुआ की जनता को। तो क्या कुछ करिएगा नेता जी इस रोड को लेकर? आप अरे रोड को लेकर के क्या कहना है, इस रोड के जो वार्ड मेंबर थे वो यहाँ के उप चेयरमैन थे, और उप चेयरमैन का मतलब होता है उनको वार्ड से कोई मतलब नहीं था, उनको पूरा 13 वार्ड में लगे हुए थे, और हर जगह जाने के बाद उनके बारे में अभी मास्टर साहब बोल रहे थे कि कभी दिखाई नहीं देते हैं। मास्टर जी हैं ये? हाँ मास्टर साहब हैं ये। तो पूरा पूरी उनको यहाँ की पब्लिक खोज भी रही है, हमको उम्मीद है कि वो दिखाई भी नहीं देंगे, पूरे 10 नंबर वार्ड में कहीं दिखाई भी नहीं देंगे, ना कभी उनको देखा जा रहा है, वो भगे भगे रह रहे हैं चारों तरफ। नेता जी यहाँ के समस्या को लेके ये लोग काफी कंप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ इस पे, आपके संज्ञान में ये है? संज्ञान में है, लेकिन यहाँ के जो जूनियर इंजीनियर है ना वो बहुत काबिलियत तारीफ है, जूनियर इंजीनियर जिन्होंने बीच रोड में बिजली का पोल रख करके उनका दिमाग कहाँ था, ये तो यहाँ के जो ईओ जो है, ईओ नगर पंचायत के ईओ ही बताएंगे कि इन लोगों का क्या धंधा चल रहा है। तो नेताजी यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनका घर पड़ता है इस रोड में, ये लोग भी मौजूद है हमारे चैनल के माध्यम से, आश्वासन दिलाइए इन लोगों को अगर आप चेयरमैन बनते हैं
तो आपके माध्यम से इस समस्या को दूर किया जाएगा? एकदम 100% दूर होगा, 100%। घोटाला भगेगा, सारा काम ठीक हो जाएगा। ये जितने घोटालेबाज हैं और डबल नाव पर चढ़ने वाले हैं, इन लोगों किसी से मतलब थोड़ी है। ये वार्ड भी लड़ेंगे, चेयरमैनी भी लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है? लड़ेंगे, चेयरमैनी भी लड़ेंगे। ये जो रोड है ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, एकदम भेंट चढ़ गया। फिर इसका पिछला पन्ना फिर उल्टेगा, पीछे वाला पन्ना जो इतिहास दोहराएगा। अभी इसका बने हुए बहुत दिन थोड़ी हुआ, उसके से 5-6 महीना पहले बना है। इसका फिर पन्ना उल्टेगा इसका। और जो ठेकेदार था, जो इंजीनियर थे, जो चेयरमैन था या जो ईओ थे, सारी पब्लिक ले सब सारी पब्लिक मिलकर के पूछेगी, जवाब देना पड़ेगा। और पीछे जो भी घोटाला हुआ है उसका फिर पीछे वाला पन्ना भी उल्टेगा। तो देखिए, कृष्ण कुशवाहा ने यहाँ पर भ्रष्टाचारियों पे जोरदार हमला बोला है और बोला है कि मरुआ नगर पंचायत से यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त मरुआ नगर पंचायत बनेगा। और यहाँ के जनता एक बार कृष्ण कुशवाहा को यहाँ पे अगर नगर पंचायत में बैठाती है तो जो भी घोटालेबाज है कि तो मरुआ में मरुआ छोड़ देंगे या अपने घर पे बैठ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो रोड यहाँ पे निर्माण हुआ है, जिस तरह से पोलो ये रोड के बीच में आया है, वो काफी चर्चा बना हुआ है इस वार्ड में। और इस वार्ड की जनता इस समस्या को देख कर ही अपना वोट देगी, किसी भी व्यक्ति को देगी। तो क्या लग रहा है यहाँ के लोगों से, क्या आप कहिएगा? लोगों से कहे कि हमको आप लोग मदद करिए, हमारे आप लोगों के लिए 24 घंटा हमारा दरवाजा खुला रहता है और हमेशा इन लोगों के बीच में रहते हैं। उन्हीं लोग से पूछिए, वो लोग अपने अपने बताए तब ना अच्छा रहेगा। यहाँ के लोगों तक काफी आक्रोशी से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आक्रोशी रहेगा नहीं जी। जिसके घर में मरीज हो जाए, चारपाई पर लाद के ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल तक, इसे बड़ा कोई कष्ट का काम कोई होता है? ये तो गाड़ी नहीं आ सकती। बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए, तो देखिए अभी हम मरुआ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में मौजूद हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनका घर पड़ता है इस रोड में, वो लोग काफी आक्रोशित हैं। उनका साफ का नाम है कि ये जो भी रोड का निर्माण हुआ है इसमें भ्रष्टाचारियों का ये भेंट चढ़ चुका है यह रोड।